नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास कायाकल्प का 29वां भाग। रोहिणी की मृत्यु के बाद राजा साहब जगदीशपुर ना रह सके। मनोरमा का भी जी वहां घबराने लगा। उसी के कारण मनोरमा को वहां रहना पड़ता था। जब वही न रही तो किस पर रीस करती। उसे अब दुख होता था कि मैं नाहक यहां आई। रोहिणी के कटु वाक्य सह लेती तो आज उस बेचारी की जान पर क्यों बनती। मनोरमा इस ग्लानी को मन से ना निकाल सकती थी कि मैं ही रोहिणी की अकाल मृत्यु का हेतु हुई। राजा साहब की निगाह भी अब उसकी ओर फिरी हुई मालूम होती थी। अब खजांची उतनी तत्परता से उसकी फरमाइशें नहीं पूरी करता। राजा साहब भी अब उसके पास बहुत कम आते हैं। यहां तक कि गुरु सेवक सिंह को भी जवाब दे दिया है और उन्हें रनिवास में आने की मनाही कर दी गई है। रोहिणी ने प्राण देकर मनोरमा पर विजय पाई है। अब वसुमती और रामप्रिया पर राजा साहब की कुछ विशेष कृपा हो गई है। दूसरे तीसरे दिन जगदीशपुर चले जाते हैं और कभी कभी दिन का भोजन भी वहीं करते हैं। वह अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। रियासत में अब अंधेर भी ज्यादा होने लगा है। मनोरमा की खोली हुई शालाएं बंद होती जा रही हैं। मनोरमा सब देखती और समझती है पर मुंह नहीं खोल सकती। उसके सौभाग्य सूर्य का पतन हो रहा है। वही राजा साहब जो उससे बिना कहे सैर करने नहीं जाते थे, अब हफ्तों उसकी तरफ ताकते तक नहीं हैं। नौकरों चाकरों पर भी अब उसका प्रभाव नहीं रहा। वे उसकी बातों की परवाह नहीं करते। इन गवारों को हवा का रुख पहचानते देर नहीं लगती। रोहिणी का आत्म बलिदान निष्फल नहीं हुआ। शंखधर को अब एक नई चिंता हो गई है। राजा साहब के रूठने से छोटी नानी जी मर गई। क्या पिताजी के रूठने से अम्मा जी का भी यही हाल होगा। अम्मा जी भी तो दिन दिन घुलती जाती हैं। जब देखो तब रोया करती हैं। उसका नाम स्कूल में लिखा दिया गया है। स्कूल से छुट्टी पाकर वह सीधे लौंगी के पास जाता है और उससे तीर्थ यात्रा की बातें पूछता है। यात्री लोग कहाँ ठहरते हैं, क्या खाते हैं, जहाँ रेल नहीं है वहाँ लोग कैसे जाते हैं, चोर तो नहीं मिलते। लौंगी उसके मनोभावों को तारती है लेकिन इच्छा ना होते हुए भी उसे सारी बातें बतानी पड़ती है। वह झुंझलाती है, घुड़क बैठती है लेकिन जब वह किशोर आग्रह करके उसकी गोद में बैठ जाता है तो उसे दया आ जाती है। छुट्टियों के दिन शंखधर पितृगृह के दर्शन करने अवश्य जाता है। वह घर उसके लिए तीर्थ है। वह भक्त श्रद्धा और उपासक के प्रेम से उस घर में कदम रखता है और जब तक वहां रहता है उस पर भक्ति गर्व का नशा सा छाया रहता है। निर्मला की आंखें उसे देखने से तृप्त ही नहीं होती। उससे घर में आते ही प्रकाश सा फैल जाता है, वस्तुओं की शोभा बढ़ जाती है। दादा और दादी दोनों उसकी बालोत्साह से भरी बातें सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। उनके हृदय पुलकित होते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है मानो चक्रधर स्वयं बाल रूप धारण करके उसका मन हरने आ गया है। एक दिन निर्मला ने कहा, बेटा तुम यहीं आके क्यों नहीं रहते, तुम चले जाते हो तो यह घर काटने दौड़ता है। शंखधर ने कुछ सोचकर गंभीर भाव से कहा, अम्मा जी तो आती ही नहीं, वह क्यों कभी यहां नहीं आती दादी जी। निर्मला, क्या जाने बेटा, मैं उनके मन की बात क्या जानूं, तुम कभी कहते नहीं, आज कहना देखो क्या कहती है। शंखधर, नहीं दादी जी, वे रोने लगेंगी। जब थोड़ी दिनों में मैं गद्दी पर बैठूंगा तो यही मेरा राजभवन होगा, तभी अम्मा जी आएंगी। निर्मला, जल्दी से बैठो बेटा, हम भी देख ले। शंखधर, मैं बाबूजी के नाम से एक स्कूल खोलूंगा, देख लेना, उसमें किसी लड़के से फीस न ली जाएगी। वज्रधर, और हमारे लिए क्या करोगे बेटा। शंखधर, आपके लिए अच्छे अच्छे सितारिये बुलाऊंगा, आप उनका गाना सुना कीजिएगा। आपको गाना किसने सिखाया दादाजी। वज्रधर, मैंने तो एक साधु से यह विद्या सीखी बेटा, बरसों उनकी खिदमत की तब कहीं जाकर प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि थोड़े ही दिनों में मैं गाने बजाने में पक्का हो गया। तुम भी सीख लो बेटा, मैं बड़े शौक से सिखाऊंगा। राजाओं महाराजाओं के लिए तो यह विद्या है ही बेटा, वही तो गुणियों का गुण परख कर उनका आदर कर सकते हैं। जिन्हें यह विद्या आ गई बस समझ लो, उन्हें किसी बात की कमी न रहेगी। वह जहाँ रहेगा लोग उसे सिर आंखों पर बिठाएंगे।
मैंने तो एक बार इसी विद्या की बदौलत बद्रीनाथ की यात्रा की थी। पैदल चलता था, जिस गांव में शाम हो जाती किसी भले आदमी के द्वार पर चला जाता और दो चार चीजें सुना देता, बस मेरे लिए सभी बातों का प्रबंध हो जाता। शंकरदेव ने विस्मित होकर कहा, सच? तब तो मैं जरूर सीखूंगा। वज्रधर, जरूर सीख लो बेटा, लाओ आज ही से आरंभ कर दो। शंकरदेव को संगीत से स्वाभाविक प्रेम था। ठाकुर द्वारे में जब गाना होता वह बड़े चाव से सुनता, खुद भी एकांत में बैठा गुनगुनाया करता था। ताल स्वर का ज्ञान उसे सुनने ही से हो गया था। एक बार भी कोई राग सुन लेता तो उसे याद हो जाता। योगियों के कितने ही गीत उसे याद थे। खंजरी बजाकर वह सूर, कबीर, मीरा आदि संतों के पद गाया करता था। इस वक्त जो उसने कबीर का एक पद गाया तो मुंशी जी उसके संगीत गान और स्वर लालित्य पर मुग्ध हो गए। बोले, बेटा तुम तो बिना सिखाए ही ऐसा गा लेते हो, तुम्हें तो मैं थोड़े ही दिनों में ऐसा बना दूंगा कि अच्छे अच्छे उस्ताद कानों पर हाथ धरेंगे। आखिर मेरे ही तो पोते हो, बस तुम मेरे नाम पर एक संगीतालय खोल देना। शंकर, जी हाँ, उसमें यही विद्या सिखाई जाएगी। निर्मला, अपनी बुढ़िया दादी के लिए क्या करोगे बेटा? शंकर, तुम्हारे लिए एक डोली रख दूंगा जिसे दो कहार ढोएंगे, उसी पर बैठकर तुम नित्य गंगा स्नान करने जाना। निर्मला, मैं डोली पर ना बैठूंगी, लोग हंसेंगे कि नहीं कि राजा साहब की दादी डोली पर बैठी जा रही है। शंकर, वाह, ऐसे आराम की सवारी और कौन होगी? इस तरह दोनों प्राणियों का मनोरंजन करके जब वह चलने लगा तो निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई, जहां से वह मोटर को दूर जाते हुए देखती रहे। सहसा शंकर ड्योढ़ी पर खड़ा हो गया और बोला, दादाजी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। निर्मला ने विस्मित होकर सजल नेत्रों से उसे देखा और गदगद होकर बोला, मांगते क्या हो बेटा? शंकर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मनोकामना पूरी हो। निर्मला ने पोते को कंठ से लगाकर कहा, भैया मेरा तो रोया रोया तुम्हें आशीर्वाद दिया करता है, ईश्वर तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करे। शंकर उनके चरणों पर सिर झुकाया और मोटर पर जा बैठा। निर्मला चौखट पर खड़ी मोटर कार को निहारती रही। मोड़ पर आते ही मोटर तो आंखों से ओझल हो गई, लेकिन निर्मला उस समय तक वहां से न हटी जब तक उसकी ध्वनि छिन्न होते होते आकाश में विलीन न हो गई। अंतिम ध्वनि इस तरह कान में आई मानो अनंत की सीमा पर बैठे किसी प्राणी के अंतिम शब्द हो। जब यह आधार भी न रह गया तो निर्मला रोती हुई अंदर चली गई। शंकर घर पहुंचा तो अहिल्या ने पूछा, आज इतनी देर कहां लगाई बेटा, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूं। शंकर, अभी तो ऐसी बहुत देर नहीं हुई अम्मा, जरा दादी जी के यहां चला गया था, उन्होंने तुम्हें आज एक संदेशा कहला भेजा है। अहिल्या, क्या संदेशा है, सुनो तो, कुछ तुम्हारे बाबूजी की खबर तो नहीं मिली है? शंकर, कहती तो नहीं थी पर उनकी इच्छा ऐसी ही मालूम होती है, क्या इसमें कोई हरज है? अहिल्या ने ऊपरी मन से तो यह कह दिया, हरज तो कुछ नहीं है, हरज क्या है, घर तो मेरा वही है, यहां तो मेहमान हूं, लेकिन भाव से साफ मालूम होता था कि वह वहां से जाना उचित नहीं समझती। शायद वह कह सकती तो कहती कि वहां से तो एक बार निकाल दी गई, अब कौन सा मुंह लेकर जाऊं, क्या अब मैं कोई दूसरी हो गई हूं, लेकिन बालक से यह बात कहनी मुनासिब न थी। अहिल्या तस्तरी में मिठाइयां और मेवे लाई और एक लौंडी से पानी लाने को कहकर बेटे से बोली, वहां तो कुछ जलपान न किया होगा, खा लो, आज तुम इतने उदास क्यों हो? शंकर ने तस्तरी की ओर बिना देखे ही कहा, इस वक्त तो खाने का जी नहीं चाहता अम्मा। एक क्षण के बाद उसने कहा, क्यों अम्मा जी, बाबूजी को हम लोगों की याद भी कभी आती होगी? अहिल्या ने सजल नेत्र होकर कहा, क्या जाने बेटा, याद आती तो काले कोसों बैठे रहते। शंकर, क्या वह बड़े निष्ठुर है अम्मा? अहिल्या रो रही थी, कुछ ना बोल सकी। शंकर, मुझे देखे तो पहचान जाए कि नहीं अम्मा जी? अहिल्या फिर भी कुछ ना बोली, उसका कंठ स्वर अश्रु प्रवाह में डूबा जा रहा था। शंकर ने फिर कहा,
मुझे तो मालूम होता है अम्मा जी कि वे बहुत ही निर्दयी हैं, इसी से उन्हें हम लोगों का दुख नहीं जान पड़ता। अगर वे भी इसी तरह रोते तो ज़रूर आते, मुझे एक दफ़ा मिल जाते तो मैं उन्हें कायल कर देता। आप न जाने कहाँ बैठे हैं, किसी का क्या हाल हो रहा है इसकी सुधी ही नहीं। मेरा तो कभी कभी ऐसा चित्त होता है कि देखूं तो प्रणाम तक न करूं, कह दूं आप मेरे होते कौन हैं, आप ही ने तो हम लोगों का त्याग किया है। अब अहिल्या चुप न रह सकी, कांपते स्वर में बेट ली, बेटा उन्होंने हमें त्याग नहीं दिया है, वहां उनकी जो दशा हो रही होगी उसे मैं जानती हूं, हम लोगों की याद एक क्षण के लिए भी उनके चित्त से ना उतरती होगी, खाने पीने का ध्यान भी न रहता होगा। हाय, यह सब मेरा ही दोष है बेटा, उनका कोई दोष नहीं है। शंकदा ने कुछ लज्जित होकर कहा, अम्मा जी यदि मुझे देखें तो वह पहचान जाए कि नहीं। अहिल्या, तुझे? मैं तो जानती हूँ ना पहचान सके, तब तो बिल्कुल जरा सा बच्चा था, आज उनको गए 10वां साल है, न जाने कैसे होंगे, मैं तो तुम्हें देखकर जीती हूँ, वह किसको देखकर दिल को ढाढ़स देते होंगे, भगवान करे कुशल से रहे, बदा होगा तो कभी भेंट हो ही जाएगी। शंकर अपनी ही धुन में मस्त था, उसने ये बातें सुनी ही नहीं, बोला, लेकिन अम्मा जी मैं तो उन्हें देखकर फौरन पहचान जाऊं, वह चाहे किसी वेश में हो मैं पहचान लूंगा। अहिल्या, नहीं बेटा तुम भी नहीं उन्हें पहचान सकोगे, तुमने उनकी तस्वीरें तो ही तो देखी है, ये तस्वीरें 12 साल पहले की है, फिर उन्होंने केश भी बढ़ा लिए होंगे। शंकर ने जवाब में कुछ न कहा, बगीचे में जाकर दीवारों को देखता रहा, फिर अपने कमरे में आया और चुपचाप बैठकर सोचने लगा। उसका मन भक्ति और उल्लास से भरा हुआ था। क्या मैं ऐसा बहुत छोटा हूँ? मेरा 13वां साल है, छोटा नहीं हूँ, इसी उम्र में कितने ही आदमियों ने बड़े बड़े काम कर डाले हैं, मुझे करना ही क्या है, दिन भर गलियों में घूमना और संध्या समय किसी के यहाँ पर रहना, यहाँ लोगों की क्या दशा होगी इसकी उसे चिंता न थी, राजा साहब पागल हो जाएंगे, मनोरमा रोते रोते अंधी हो जाएगी, अहिल्या शायद प्राण देने पर उतारू हो जाए, इसकी उसे उस वक्त बिल्कुल फिक्र न थी, वह यहाँ से भाग निकलने के लिए विकल हो रहा था। एकाएक उसे ख्याल आया, ऐसा न हो लोग मेरी तलाश में निकले, थाने में हुलिया लिखाएं, खुद भी परेशान हो मुझे भी परेशान करें, इसीलिए उन्हें इतना बतला देना चाहिए कि मैं कहाँ और किस काम के लिए जा रहा हूँ, अगर किसी ने मुझे ज़बरदस्ती लाना चाहा तो अच्छा ना होगा, हमारी खुशी है, जब चाहेंगे आएंगे, हमारा राज्य तो कोई नहीं उठा ले जाएगा। उसने एक कागज पर या पत्र लिखा और अपने बिस्तर पर रख दिया। सबको प्रणाम, मेरा कहा सुना माफ कीजिएगा, मैं आज अपनी खुशी से पिताजी को ढूंढने जाता हूँ, आप लोग मेरे लिए जरा भी चिंता ना कीजिएगा, ना मुझे खोजने आइएगा, क्योंकि मैं किसी भी हालत में बिना पिताजी का पता लगाए ना आऊँगा, जब तक एक बार दर्शन न कर लूँ और पूछ न लूँ कि मुझे किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, तब तक मेरा जीना व्यर्थ है, मैं पिताजी को अपने साथ लाने की चेष्टा करूँगा, या तो उनके दर्शनों से कृतार्थ होकर लौटूँगा या इसी उद्योग में प्राण दे दूँगा, अगर मेरे भाग्य में राज्य करना लिखा है तो राज्य करूँगा, भीख मांगना लिखा है तो भीख मांगूंगा, लेकिन पिताजी के चरणों की रज माथे पर लगाए बिना, उनके कुछ सेवा किए बिना मैं घर न लौटूंगा। मैं फिर कहता हूँ, मुझे वापस लाने की चेष्टा ना करे, नहीं तो मैं वहीं प्राण दे दूंगा। मेरे लिए कितनी लज्जा की बात है कि मेरे पिताजी तो देश विदेश में मारे मारे फिरे और मैं चैन करूँ, यह दशा अब मुझसे नहीं सही जाती, कोई यह ना समझे कि मैं छोटा हूँ, भूल भटक जाऊंगा, मैंने ये सारी बातें अच्छी तरह सोच ली हैं, रुपए पैसे की भी मुझे ज़रूरत नहीं है अम्मा जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दादाजी की सेवा कीजिएगा और समझाइएगा कि वो मेरे लिए चिंता न करें, रानी अम्मा को प्रणाम, बाबा जी को प्रणाम। आधी रात बीत चुकी थी, शंखधर एक कुर्ता पहने हुए कमरे से निकला, बगल के कमरे में राजा साहब आराम कर रहे थे, वह पिछवाड़े की तरफ बाग में गया और एक अमरूद के पेड़ पर चढ़कर बाहर की तरफ कूद पड़ा। अब उसके सिर पर तारका मंडित एक नीला आकाश था, सामने विस्तृत मैदान और छाती में उल्लास, शंका और आशा से धड़कता हुआ हृदय, वह बड़ी तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चला, कुछ नहीं मालूम कि किधर जा रहा है, तकदीर कहाँ लिए जाती है।
ऐसी ही अंधेरी रात थी जब चक्रधर ने इस घर से गुप्त रूप से प्रस्थान किया था। आज भी वही अंधेरी रात है और भागने वाला भी चक्रधर का आत्मज है। कौन जानता है चक्रधर पर क्या बीती, शंखधर पर क्या बीतेगी, इसे भी कौन जान सकता है। इस घर में उसे कौन सा सुख नहीं था। उसके मुंह से कोई बात निकलने भर की देर थी, पूरा होने में देर ना थी। क्या ऐसी भी कोई वस्तु है जो इस ऐश्वर्य भोग विलास और राजपाट से प्यारी है। अभागिनी अहिल्या, तू पड़ी सो रही है। एक बार तूने अपना प्यारा पति खोया और अभी तक तेरी आंखों में आंसू नहीं थमे। आज फिर तू अपना प्यारा पुत्र, अपना प्राणधार, अपना दुखिया का धन खोए देती है। जिस संपत्ति निमित्त तूने अपने पति की उपेक्षा की थी, वही संपत्ति क्या तुझे आज अजीर नहीं हो रही है। 5 वर्ष व्यतीत हो गए पर न शंखधर का कहीं पता चला न चक्रधर का। राजा साहब विशाल सिंह ने दया और धर्म को तिलांजलि दे दी है और खूब दिल खोल कर अत्याचार कर रहे हैं। दया और धर्म से जो कुछ होता है उसका अनुभव करके अब वह यह अनुभव करना चाहते हैं कि अधर्म और अविचार से क्या होता है। रियासत में धर्मार्थ जितने काम होते थे वे सब बंद कर दिए गए हैं। मंदिरों में दिया नहीं जलता, साधु संत द्वार से खरे खरे निकाल दिए जाते हैं और प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। उनकी फरियाद कोई नहीं सुनता, राजा साहब को किसी पर दया नहीं आती। अब क्या रह गया है जिसके लिए वह धर्म का दामन पकड़े। वह किशोर अब कहाँ है जिसके दर्शन मात्र से हृदय में प्रकाश का उदय हो जाता था। वह जीवन और मृत्यु की सभी आशाओं का आधार कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं। यदि विधाता ने उनके ऊपर यह निर्दय आघात किया है तो वह भी उसी के बनाए हुए मार्ग पर चलेंगे। इतने प्राणियों में केवल एक मनोरमा है जिसने अभी तक धैर्य का आश्रय नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी अब कोई नहीं सुनता। राजा साहब उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते, वह उसी को सारी विपत्ति का मूल कारण समझते हैं। वही मनोरमा जो उनकी हृदयेश्वरी थी, जिसके इशारे पर रियासत चलती थी, अब भवन में भिखारिन की भांति रहती है, कोई उसकी बात तक नहीं पूछता। वह इस भीषण अंधकार में अब भी दीपक की भांति जल रही है, पर उसका प्रकाश केवल अपने ही तक रह जाता है, अंधकार में प्रसारित नहीं होता। आह अभूत बालक, अब तूने देखा कि जिस अभिष्ट के लिए तूने जीवन की सभी आकांक्षाओं का परित्याग कर दिया वह कितना असाध्य है। इस विशाल प्रदेश में जहाँ 30 करोड़ प्राणी बसते हैं, तू एक प्राणी को कैसे खोज पाएगा। कितना अबोध साहस था, बालोचित सरल उत्साह की कितनी अलौकिक लीला। संध्या हो गई, सूर्यदेव पहाड़ियों की आड़ में छिप गए हैं, इसीलिए संध्या से पहले ही अंधेरा हो चला है। रमणियां जल भरने के लिए कुएं पर आ गई हैं। इसी समय एक युवक हाथ में खंजरी लिए आकर कुएं पर बैठ गया। यही शंखधर है। उसके वर्ण रूप और वेश में इतना परिवर्तन हो गया है कि शायद अहिल्या भी उसे देखकर चौंक पड़ती। यह वह तेजस्वी किशोर नहीं, उसकी छाया मात्र है। उसका मांस गल गया है, केवल अस्थि पंजर मात्र रह गया है, मानो किसी भयंकर रोग से ग्रस्त होने के बाद उठा हो। मानसिक ताप, वेदना और विषाद की उसके मुख पर एक ऐसी गहरी रेखा है कि मालूम होता है उसके प्राण अब निकलने के लिए अधीर हो रहे हैं। उसकी निस्तेज आंखों में आकांक्षा और प्रतीक्षा की झलक की जगह अब घोर नैराश्य प्रतिबिंबित हो रहा था। वह नैराश्य जिसका पारितोष नहीं, वह सजीव प्राणी नहीं, किसी अनाथ का रोदन या किसी वेदना की प्रतिध्वनि मात्र है। 5 वर्ष के कठोर जीवन संग्राम ने उसे इतना हताश कर दिया है कि कदाचित इस समय अपने उपास्य देव को सामने देखकर भी उसे अपनी आंखों पर विश्वास न आएगा। एक रमणी ने उसकी ओर देखकर कहा, कहां से आते हो परदेशी, बीमार मालूम होते हो। शंखधर ने आकाश की ओर अनिमेष नेत्रों से देखते हुए कहा, बीमार तो नहीं हूं माता, दूर से आते आते थक गया हूं। यह कहकर उसने अपनी खंजरी उठा ली और उसे बजाकर यह पद गाने लगा। बहुत दिनों तक मौन मंत्र मन मंदिर में जपने के बाद, पाऊंगी जब उन्हें प्रतीक्षा के तप में तपने के बाद, ले तब उन्हें अंक में नैनों के जल से नहलाऊंगी,
सुमन चढ़ाकर प्रेम पुजारिन मैं उनकी कहलाऊंगी। ले अनुराग आरती उनकी तभी उतारूंगी सब प्रेम, स्नेह सुधा नैवेद्य रूप में सम्मुख रखूंगी कर प्रेम। ले लूंगी वरदान भक्ति वेदी पर बलि हो जाने पर, साध तभी मन की साधूंगी प्राणनाथ के आने पर। इस क्षीण का युवक के कंठ से इतना स्वर लालित्य इतना विकल अनुराग था कि रमणियां चित्रवत खड़ी रह गईं। कोई कुएं में कलसा डाले हुए उसे खींचना भूल गई, कोई कलसे से रस्सी का फंदा लगाते हुए उसे कुएं में डालना भूल गई, और कोई कुल्हे पर कलसा रखे आगे बढ़ना भूल गई। सभी मंत्रमुग्ध सी हो गई। उसकी हृदय वीणा से भी वही अनुरक्त ध्वनि निकलने लगी। एक युवती ने पूछा, बाबा जी अब तो बहुत देर हो गई है, यही ठहर जाओ ना, आगे तो बहुत दूर तक कोई गांव नहीं है। शंखधर, आपकी इच्छा है माता तो यही ठहर जाऊंगा, भला माता जी यहाँ कोई महात्मा तो नहीं रहते। युवती, नहीं यहाँ कोई साधु संत नहीं है, हाँ देवालय है। दूसरी रमणी ने कहा, अभी कई दिन हुए एक महात्मा आकर टिके थे, पर वे साधुओं के वेश में न थे, वे यहाँ एक महीने तक रहे, तो मैं एक दिन पहले यहाँ आ जाते तो उनके दर्शन हो जाते। एक वृद्धा बोली, साधु संत तो बहुत देखे बेटे, पर ऐसा उपकारी जीवन नहीं देखा। तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? शंखधर, क्या बताऊँ माता, यूं ही घूमता फिरता हूँ। वृद्धा, अभी तुम्हारे माता पिता है ना बेटा? शंखधर, कुछ मालूम नहीं माता, पिताजी तो बहुत दिन हुए कहीं चले गए, मैं तब 2-3 वर्ष का था, माता जी का हाल नहीं मालूम। वृद्धा, तुम्हारे पिता क्यों चले गए, तुम्हारी माता से कोई झगड़ा हुआ था? शंखधर, नहीं माता जी झगड़ा तो नहीं हुआ था, गृहस्थी के माया मोह में नहीं पड़ना चाहते थे। वृद्धा, तो तुम्हें घर छोड़े कितने दिन हुए? शंखधर, 5 साल हो गए माता, पिताजी को खोजने निकल पड़ा था पर अब तक कहीं पता नहीं चला। एक युवती ने अपनी सहेली के कंधे से मुंह छिपाकर कहा, इनका ब्याह तो हो गया होगा। सहेली ने उसे उत्तर न दिया, वह शंखधर के मुख की ओर ध्यान से देख रही थी। सहसा उसने वृद्धा से कहा, अम्मा इनकी सूरत महात्मा से मिलती है कि नहीं, क्या तुम्हें दिखाई देता है? वृद्धा, हाँ रे कुछ कुछ मालूम तो होता है। फिर शंखधर से बोली, क्यों बेटा तुम्हारे पिताजी की क्या अवस्था होगी? शंखधर, 40 वर्ष के लगभग होगी और क्या। वृद्धा, आंखें खूब बड़ी बड़ी है? शंखधर, हाँ माता जी उनकी बड़ी आंखें तो मैंने किसी की देखी ही नहीं। वृद्धा, लंबे लंबे गोरे आदमी हैं? शंखधर का हृदय धक धक करने लगा, बोला, हाँ माता जी उनका रंग गोरा है। वृद्धा, अच्छा दाहिनी ओर किसी चोट का दाग है? शंखधर, हो सकता है माता जी, मैंने तो केवल उनका चित्र देखा है, मुझे तो वह 2 वर्ष का छोड़कर घर से निकल गए थे। वृद्धा, बेटा जिन महात्मा की मैंने तुमसे चर्चा की है उनकी सूरत तुमसे बहुत मिलती है। शंखधर, माता कुछ बता सकती हो वे यहाँ से किधर गए? वृद्धा, यह तो कुछ नहीं कह सकती, पर वह उत्तर की ओर ही गए हैं। तुमसे क्या कहूँ बेटा, मुझे तो उन्होंने प्राण दान दिया है, नहीं तो अब तक मेरा न जाने क्या हाल होता। नदी में स्नान करने गई थी, पैर फिसल गया, महात्मा जी तट पर बैठे ध्यान कर रहे थे, डुबकियां खाते देखा तो चट पानी में तैर गए और मुझे निकाल लाए। बिना निकालते तो प्राण जाने में कोई संदेह ना था। महीने भर यहाँ रहे, इस बीच में कई जाने बचाई, कई रोगियों को तो मौत के मुंह से निकाल लिया। शंखधर ने कांपते हुए हृदय से पूछा, उनका नाम क्या था माता जी? वृद्धा, नाम तो उनका था भगवान दास, पर यह उनका असली नाम नहीं मालूम होता था, असली नाम कुछ और ही था। एक युवती ने कहा, यहां उनकी एक तस्वीर भी रखी हुई है। वृद्धा, हाँ बेटा इसकी तो हमें याद ही नहीं रही थी, इस गांव का एक आदमी बंबई में तस्वीर बनाने का काम करता है, वह यहाँ उन दिनों आया हुआ था, महात्मा जी तो नहीं नहीं करते रहे, पर उसने झट से अपनी डिबिया खोलकर उनकी तस्वीर उतार ही ली,
न जाने वह डिबिया में क्या जादू है कि जिसके सामने खोल दो उसकी तस्वीर उसके भीतर खिंच जाती है। शंकर का हृदय शतगुण वेग से धड़क रहा था। बोले, जरा वह तस्वीर मुझे दिखा दीजिए, आपकी कृपा होगी। युवती लपकी हुई घर गई और एक क्षण में तस्वीर लिए हुए लौटी। आह, शंकर की इस समय विचित्र दशा थी। उसकी हिम्मत न पड़ी कि तस्वीर देखे, कहीं यह चक्रधर की तस्वीर न हो। अगर उन्हीं की तस्वीर हुई तो शंकर क्या करेगा? यह अपने पैरों पर खड़ा रह सकेगा? उसे मूर्छा तो ना जाएगी? अगर यह वास्तव में चक्रधर का ही चित्र है तो शंकर के सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। उसे अब क्या करना होगा? अब तक वह एक निश्चित मार्ग पर चलता आया था, लेकिन अब उसे एक ऐसे मार्ग पर चलना पड़ेगा जिससे वह बिल्कुल परिचित न था। क्या वह चक्रधर के पास जाएगा? जाकर क्या कहेगा? उसे देखकर वे प्रसन्न होंगे या सामने से धुतकार देंगे? उसे वे पहचान भी सकेंगे? कहीं पहचान लिया और उसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहीं और चले गए तो? सहसा वृद्धा ने कहा, देखो बेटा, यह तस्वीर है। शंकर ने दोनों हाथों से हृदय को संभालते हुए तस्वीर पर एक भय कंपित दृष्टि डाली और पहचान गया। हाँ, चक्रधर ही की तस्वीर थी। उसकी देह शिथिल पड़ गई, हृदय का धड़कना शांत हो गया। आशा, भय, चिंता और अस्थिरता से व्यग्र होकर वह हद बुद्धि सा खड़ा रह गया, मानो किसी पुरानी बात को याद कर रहा है। शंकर ने उत्सुकता से पूछा, बेटा, कुछ पहचान रहे हो? शंकर ने कुछ उत्तर ना दिया। वृद्धा ने फिर पूछा, चुप कैसे हो भैया? तुमने अपने पिताजी की जो सूरत देखी है उससे यह तस्वीर कुछ मिलती है? शंकर ने अब भी कुछ उत्तर दिया नहीं, मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। सहसा उसने निद्रा से जागते हुए मनुष्य की भांति पूछा, वह उधर उत्तर की ओर गए हैं ना? आगे कोई गांव पड़ेगा? वृद्धा, हाँ बेटा, 5 कोस पर गांव है, भला सा उसका नाम है। हाँ, साईगंज, साईगंज। लेकिन आज तो तुम यहीं रहोगे? शंकर ने केवल इतना कहा। नहीं माता, आज्ञा दीजिए, और खंजरी उठाकर चल खड़ा हुआ। युवतियां ठगी सी रह गईं। जब तक वह निगाहों से ओझल न हो गया, सब की सब उसकी ओर टकटकी लगाए ताकती रहीं। लेकिन शंकर ने एक बार भी पीछे फिरकर न देखा। सामने गगनचुंबी पर्वत अंधकार में विशालकाय राक्षस की भांति खड़ा था। शंकर बड़ी तीव्र गति से पतली पगडंडी पर चला जा रहा था। उसने अपने आप को उसी पगडंडी पर छोड़ दिया है। वह कहां ले जाएगी वह नहीं जानता। हम भी इस जीवन रूपी पतली मीठी मीठी पगडंडी पर क्या उसी भांति तीव्र गति से दौड़े नहीं चले जा रहे हैं? क्या हमारे सामने उनसे भी ऊंचे अंधकार के पर्वत नहीं खड़े हैं? धन्यवाद।